दीपोर जो है साइक्लोन को लेकर तैयारी तो चल रही है, लेकिन अभी मांडवी में भी जो समुद्र है उसमें करंट देखने को मिल रहा है। बहुत तेज हवाएं चल रही हैं जिसको लेके समुद्र के अंदर करंट देखने को मिल रहा है, और खास करके बात करें तो इस करंट की वजह से काफ़ी नुकसान भी शुरू हो चुका है। मेरे कैमरामैन अमित शर्मा को मैं बोलूँगा कि वो एक विजुअल दिखाएं जिसके अंदर आसपास जो बीच पे सारे जो चीज़ें बनी हुई थी जिसमें लोग बैठते थे इंजॉय करते थे वो सारी टूटने शुरुआत हो गई है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये सब नुकसान जो है वो शुरू हो चुका है। हालाँकि अभी भी पोर जो है साइक्लोन जो है वो दूर है और उसकी असर जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि इस तरह से आप देख सकते हैं कि नुकसान का जो शुरुआत है वो हो चुका है। और खास करके बात करें तो इस नुकसान से बचने के लिए ही जो तंत्र ने पूरी तैयारियां की, लेकिन फिलहाल नुकसान तो ठीक है लेकिन कैजुअलिटी ना उसका ध्यान रखा जा रहा है। जीरो से 5 किलोमीटर के अंदर जितने भी गांव हैं वो सभी को खाली करने की कामगिरी जो है वो की जा रही है, और खास करके समुद्र में फिलहाल करंट भी देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट जो साइक्लोन कितना खतरनाक साबित होगा वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कच्छ जिले में सबसे ज़्यादा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ नवीन झा, न्यूज़ 18, कच्छ मांडवी।